क्या तुम कभी गिरे हो बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से, कि उठना तो दूर की बात है पर सर उठाकर फिर से ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही हो? वो वक्त जहां पे सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट चला गया हो, सारे रास्ते, सारे दरवाजे सब बंद हो गया हो और ना उम्मीद के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा हो और सिर्फ एक उम्मीद की किरण की तलाश हो, ये इंसान शायद आपको वही उम्मीद देगा। वो अलीगढ़ के एक छोटे से गांव से था, बहुत होशियार, इतना कि सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में उसने इंटर पास कर ली और बड़ी उम्मीद के साथ दिल्ली गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। पर वहां पे सारे लेक्चर्स और स्टडीज हो रही थी इंग्लिश में और इसको तो सिर्फ हिंदी आती थी, तो ये रैंकर बन गया लास्ट बेंचर, गिर गए मार्क्स, उम्र भी छोटी थी, भाषा भी नहीं आती थी, सबने बहुत उड़ाया मजाक, बुरी हुई उसकी बुलिंग। वो गिरा पर वो खुद को स्पेशल मानता था। वो उठा, 1997 में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट कर दी जिसको बाद में उसने एक अमेरिकन कंपनी को बेच दी और वो नौकरी करने लगा। पर जॉब छोड़ के 2001 में उसने अपनी सेविंग से 197 नाम की एक कंपनी शुरू कर दी जो बहुत सक्सेसफुल हुई और एयरटेल और हज जैसी बड़ी कंपनीज के साथ बिजनेस करने लगी। पर इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से 2011 में कंपनी टोटल लॉस में चली गई और वो बिल्कुल कंगाल हो गया। इस बार वो बहुत बुरी तरह से गिरा, इतना कि उसके पास ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो 15-15 किलोमीटर चल के जाता। इतना बुरा कि खाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते थे और वो सिर्फ चाय बिस्किट के साथ अपना गुजारा करता था। ऐसे में उसने अपने रिश्तेदार और दोस्तों से 24% पे लोन लेके किसी तरह से कंपनी को चलाए रखा और खुद ऑड जॉब्स करके किसी तरह से उस लोन को भरने की कोशिश करता था। अगर वो चाहता ना तो कभी भी खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। पर वो उठा और उसने सपने देखना बंद नहीं किया। आज उस शख्स को हम विजय शेखर शर्मा के नाम से जानते हैं जो पेटीएम के सीईओ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम गिरे हो मैं समझता हूँ, पूरी तरह से मैं जानता हूँ, उतना की उम्मीद की कोई किरण नहीं बची है, उठने की कोई वजह नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया और शायद अंदर से तुम मर चुके हो, पर शायद तुम्हें सिर्फ कुछ उम्मीद की जरूरत है। C1 मती, 3 बार सिविल सर्विस के एग्जाम्स में फेल, फिर UPSC क्रैक करके IAS ऑफिसर बने। अमित कुमार दास, जिनके पास लैपटॉप खरीदने के भी पैसे नहीं थे, उन्होंने 500 करोड़ की सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ी कर दी। 6th स्टैंडर्ड में फेल होने के बावजूद भी UPSC में सेकंड रैंक लाने वाली रुक्मणी रायर, ना जाने और ऐसे कितने, ये सब गिरे थे, ये सब हारे थे, फर्क सिर्फ इतना था कि ये फिर से उठे। मैं इससे नहीं निकल पाऊंगा, फिर से उठ नहीं पाऊंगा, खबरदार, खबरदार अगर खुद से कभी भी कहा है तो, क्योंकि तुझे गिरा के ये सक्सेस बताना चाहती है कि तू उसके काबिल है, कि जब तू फिर से उठे और उसको हासिल करे तो तू उसे संभाल पाए। ये सब तो सिर्फ तुझे ताकतवर बनाने के लिए है। सुन रहा है ये दिल की आवाज, ये तुझसे कह रही है कि उठ जा, उठ जा, और एक और बार कोशिश कर, गिरना कोई बुरी बात नहीं है, गिरो, एक नहीं 1000 बार गिरो, पर फिर से उठना जरूर। मैं हुशैल रावल, सुपर ह्यूमन फार्मूला का क्रिएटर, और मुझे आपके सपनों पर विश्वास है और मुझे यकीन है कि आप उनको रियलिटी में जरूर बदलोगे।